टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आइसोमेट्रिक में ये सम कर रहे हैं जिसमें स्लोप पे सर्कल है। सो आज हम लोग सीखेंगे कि स्लोप पे सर्कल कैसे बनाते हैं। सो पहले अगर ध्यान से देखें फ्रंट व्यू टॉप व्यू। सो लेंथ 65 है, हाइट 75 है एंड विड्थ 60 है। सो ओ के लेफ्ट साइड पे हम लोग 65 लेंगे, हाइट 75 एंड विड्थ 60। देखिए सो ओ के लेफ्ट साइड पे 65, हाइट कितना है 75 एंड विड्थ 60। तो उस प्रकार से पहले बॉक्स बना देंगे। इसके बाद फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये पूरा सरफेस एक ही है, ऊपर से 15, यहाँ से 15, ये देखो ये 15 है और ये भी 15 है और जॉइंट किया है। सो वही करेंगे हम लोग, सीधा 15 15 लेके स्लोप बना देंगे। अभी आइसोमेट्रिक में इतना तो आ गया है समझ में कि जो आगे होता है वही पीछे होता है। कितना पीछे है? 60। तो मैं 60 पीछे जाऊंगा, यहाँ से देखो 30 डिग्री लाइन से 60 60 पीछे लेंगे। उसके बाद ये सर्कल बनाना है। ये सर्कल कहाँ पे है? इसके बीच में है, डायमेंशंस दिए हुए। तो पहले हम लोग एक सर्कल बाहर बना लेते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट हम लोग नहीं बना सकते। तो डायमीटर 40 बना लेंगे और 5 5 मिलीमीटर सेंटर लाइन पे मार्क करके ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और मेन डायमीटर को ए भी लिखते हैं। क्योंकि ये इंक्लाइन पे है इसलिए हम लोग फोर सेंटर मेथड नहीं कर सकते, तो मैं लीनियर मेथड से ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो इसमें सर्कल बना दो और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करो वर्टिकली। अभी क्या करना है वो सेंटर को ढूंढना है। इसका मिड पॉइंट लो 30 और लाइन बनाओ, यहाँ से लो 25 और लाइन बनाओ। तो आपको क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। बट ये ऊपर वाला सरफेस है, इंक्लाइंड नहीं। इंक्लाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे वाली लाइन का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। सो देखो ये जो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब 30 डिग्री पे जो लाइन है वो एक्चुअल में इंक्लाइंड है ऐसे। ये समझ में आया? सो इसमें हम लोग अभी 0.4 मार्क करते हैं जो यहाँ पे है, बराबर। अभी 4 को ये लाइन पे प्रोजेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? सीधा प्रोजेक्ट करेंगे। ये मिल गया 4 इंक्लाइन लाइन पे। अभी वापस एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, 30 डिग्री से ही बनाना है, इससे पैरेलल देखो। अभी लेंगे 4 to A और कट करेंगे। तो इसे बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस ट्रांसफर किया आपने। फोर टू ए ट्रांसफर किया। अभी 3 वाला पॉइंट ऊपर से 5 mm लेना है बिकॉज हमने 5 5 mm का गैप लिया ना और उसको नीचे प्रोजेक्ट किया। तो वापस इंक्लाइन लाइन पे 3 मिला, वापस लाइन बनाओ। अभी यहाँ पे वापस लो डिस्टेंस 3 to, इसको नाम लिख देते हैं CD। सो 3 to C एंड 3 to D। सो यहाँ से 3 to C एंड 3 to D वो मार्क कर दिया। बाद में वापस 2 मार्क किया ऊपर, 5 mm ऊपर जाके नीचे आए, वापस लाइन बनाया, इतना डिस्टेंस लिया। कंपस से आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ट्रांसफ़र करना है, हमेशा याद रखो। आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रांसफ़र करते हैं। 1 के साथ भी वैसा ही किया, O तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपर हाफ सर्कल मिल गया।
ये सब सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया अभी नीचे वाला पार्ट। सेम वे पॉइंट फाइव मार्क करो, नीचे लेके आओ, वापस लाइन पैरेलल। ये जो है ना, ये याद रखो, ये जो हमारी लाइन है वो इंक्लाइंड है, ये जो है वो इंक्लाइंड है, ये मैंने आपको पहले बताया है। उस पे ही फाइव, तो फाइव नीचे आ गया। अभी इसको पैरेलल ये लिया और कट किया, सिक्स सेवन एट, सारे पॉइंट्स वैसे ही लेने हैं। इन सबको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से, तो आपका कर्व बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल थ्रू एंड थ्रू है, तो नीचे बॉटम सरफेस पे भी बना हुआ है सर्कल, लेकिन वो फ्लैट है, वो इंक्लाइंड पे नहीं है, वो फ्लैट है। तो वो फोर सेंटर मेथड से करना है। उसका सेंटर निकालने के लिए ए से हमें नीचे जाना पड़ेगा, कितना है वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ बेस से बाद में अंदर जाएंगे। देखो इसका मिड पॉइंट से अंदर जाएंगे, तो नीचे वाला बॉटम सरफेस का जो सर्कल है उसका सेंटर मिल गया। वहाँ पे फोर सेंटर मेथड वापस 20 20 20 20 करके रॉम्बस बनाएंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट डायगनल, इसको ज्वाइन कर दो, ये देखो ऐसा आएगा। इतना पार्ट दिखेगा, बहुत ही कम पार्ट है लेकिन दिखेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।